दे लगभग आपको खुश रखे आबाद रखे आमीन सुबामी। इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज। आज हमने जो बनाई बहुत ही मजेदार सी शानदार सी टर्किश पाइट। आपको टर्किश डालने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही बना सकते हैं हमारे मेथड से। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत मजेदार सी बनी है। इसको कट भी कर लेते हैं, ब्रेड को बहुत जबरदस्त सी बनी है। इसको आप टर्किश पिज्जा भी कह सकते हैं। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो आपने क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलें जी, ये देखिए, ये पीछे से भी देख लें, ये देखें। अगर आपको बहुत मजेदार सी रेसिपी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलते मजेदार सी टर्किश पाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे टर्किश पाइट। बनाने के लिए एक बाउल ले लिया, इसके अंदर डाल देंगे हम हाफ कप मिल्क। मिल्क थोड़ा गर्म होना चाहिए, गुनगुना। कप मिल्क ऐड कर देने के बाद एक अदद इसके अंदर अंडा डाल देंगे। 1/4 कप कुकिंग ऑयल, कोई सा भी वेजिटेबल आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून ईस्ट, टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वन टेबल स्पून दही डाल देंगे सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद। अब इसे दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। इसमें 3 कप मैदा डाल देते हैं। अब इसकी हमने क्या कर लेनी है, एक डो बना लेनी है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। ऑयल डाल देने के बाद इसको अच्छे से ग्रीस कर देना है पूरे डो को। और अब हम इसको ढक के रख देंगे कि हमारा डो राइज हो जाए। अब हम इसकी पाइप की फिलिंग रेडी करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे फ्राई पैन में। थोड़ा सा गर्म हो जाने दें। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज कट की हुई थी वो डाल देंगे। प्याज को अपने कलर वलर इसका कुछ चेंज नहीं करना, बस हल्की सी सौते करनी है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। इसके साथ साथ मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया था वो डाल देंगे। आप चाहे तो बीफ या मटन का कीमा भी यूज कर सकते हैं। टेबल स्पून भर के इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाल देंगे। सॉल्ट डाल देंगे आपके टेस्ट के मुताबिक। लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे सफेद मिर्च का। अब इन्हें इन सब चीजों को अच्छे से मिक्सअप कर लें जनाब। अब हमने मीडियम टू लो हीट पे इसको कुक होने के लिए छोड़ देना। पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, कीमे का भी पानी वगैरह सब निकलेगा तो ये उसी में कुक हो जाएगा। चले अब हम आपसे मिलते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। लेट उठा के देखा तो कीमा हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे। 2 से 3 अदद मैंने लिए वो डाल दिए। आप चाहे तो शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चले जी, अब हम स्टोव को बंद कर लेते हैं। हमारी जबरदस्त सी रेडी हो गई है। देखें कितनी अच्छी सी राइस हो गई। पंच मारते हैं और इसको एक दफा फिर से घूम देते हैं। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद अब हम इसके पेड़े बना देते हैं। टर्की में तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बनती है, उनके बड़े साइज़ के ओवन होते हैं पाइट बनाने के। तो हमारा तो छोटा ओवन है इसलिए हमने छोटे साइज़ के बनाए पेड़े।
इसे ओवल शेप में बेल लेंगे। क्या करना होगा, इसके सेंटर में जो हमने फिलिंग बनाई हुई थी वो डाल देंगे। चले अब हम इसको इस तरह करके शेप दे देंगे, देखें, और इसको इस तरह कर देंगे इसके ऊपर इस तरह, ये देखिए। I know you told your friend you're not okay. चले अब चीज मैंने ली थी चैटर चीज, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा स्लाइस थे, मेरे फ्रीजर में रखा हुआ था तो इसलिए स्लाइस में थोड़ा छोटे छोटे पीस कट करके मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर एक अंडा भी डाल सकते हैं, कच्चा अंडा अगर आपको पसंद है तो। चले अब हमने क्या करना, ऊपर से मैंने थोड़े से जैतून भी डाल दिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसके साइडों पे हमने इस तरह करके अंडे की सफेदी जर्दी डाल लगा देनी है ब्रश की मदद से। अब इसके साइडों पे थोड़े से लगा डाल देंगे हम कलौंजी और सफेद तिल। तेल और कलौंजी लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा हमने स्प्रिंकल कर देना है ऑर्गानो का। चलें जी, अब हम इसको जल्दी से बेक कर देते हैं। ऑर्गानो ऐड कर देने के बाद अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 टू 15 मिनट्स के लिए बेक करते हैं। इसी तरह करके मैं सारी पाई रेडी कर लेती हूँ। पाई खाने के लिए गर्मा गर्म इसे बनाइए और गर्मा गर्म सर्व करिए। रेसिपी और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सके। चले आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।